अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें क्रिकेट न्यूज़ HD चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकन को ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिले। CPL 2021 में अब तक 10 मैचेस खेले जा चुके हैं। आज की इस कास्ट में CPL 2021 के न्यू पॉइंट टेबल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कौन सी टीम किस नंबर पर है और कितने पॉइंट हासिल कर चुकी है। तो CPL 2021 के न्यू पॉइंट टेबल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 6 सैंट लुसिया किंग्स टीम। सैंट लुसिया किंग्स ने CPL 2021 में 3 मैच खेले, 1 मैच जीता, 2 मैच हारे और ये 2.6वें नंबर पर हैं और इनका नेट रन -2.4 है। नंबर 5 बारबाडोस रॉयल्स टीम। बारबाडोस रॉयल्स ने CPL 2021 में 4 मैच खेले, 1 मैच जीता और 3 मैच हारे और ये 2.5वें नंबर पर हैं और इनका नेट रन -0.7 है। नंबर 4 गयाना अमेज़न वॉरियर्स टीम। गयाना अमेज़न वॉरियर्स ने CPL 2021 में 3 मैच खेले, 1 मैच जीता, 2 मैच हारे और ये 2.7 नंबर पर हैं और इनका नेट रन -0.1 है। नंबर 3 टिम्बैगो नाइट राइडर्स टीम। टिम्बैगो नाइट राइडर्स ने CPL 2021 में 4 मैच खेले, 2 मैच जीते और 2 मैच हारे और ये 4.7 नंबर पर हैं और इनका नेट रन +0.5 है। नंबर 2 जमैका डालावास टीम। जमैका डालावास ने CPL 2021 में 3 मैच खेले, 2 मैच जीते और 1 मैच हारा और ये 4.7 नंबर पर हैं और इनका नेट रन +2.2 है। नंबर 1 सैंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स टीम। सैंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने CPL 2021 में 3 मैच खेले और 3 मैच जीते और ये 6.7 नंबर पर हैं और इनका नेट रन +0.7 है। तो ये होगी CPL 2021 की न्यू पॉइंट टेबल। तो CPL 2021 में कौन सी टीम में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, अपनी राय कमेंट में जरूर करें। और इस वीडियो को आज से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।